अब बात करेंगे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जो कि भगवान भरोसे नजर आती है। बदहाली की तस्वीर कुछ यूं बयां करती है कि राजधानी जयपुर में सरकारी डेंटल कॉलेज है शास्त्री नगर में, लेकिन इसके हालात बद से बदतर हैं। दूर दराज का नहीं, राजधानी में दिए तले अंधेरे की मिसाल आप खुद देख लीजिए। दरकती दीवारें, टूटी खिड़कियां, टूटे बिजली के बोर्ड और बदहाल बाथरूम, ये तस्वीरें आपको हैरान जरूर कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर किसी खंडर या भूतिया बिल्डिंग की है, तो आप गलत हैं। यह है राजधानी के शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज के हॉस्टल। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले इस डेंटल कॉलेज को लगता है अब यूनिवर्सिटी भूल चुकी है। हॉस्टल की बदहाली शब्दों से ज्यादा तस्वीरों से ही बयां हो जाती है। अब स्टूडेंट्स का आरोप है कि यहाँ ना तो बिजली है और ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही रहने के लिए कमरे, ना तो कोई यहाँ पे बाथरूम सही है। नए बाथरूम बनाए एकदम, उसको उखाड़ के फर्श बना दिया, कोई उनका वो नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्टल में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही। ना तो हम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे मच्छर इतने भयंकर हो रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सो भी नहीं सकते, रह नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। अभी परसों रात से लाइट नहीं है और अभी तो जनरेटर हॉस्पिटल के जनरेटर आ जाता है, कल 4 घंटे आया फिर वो चला गया, लेकिन सारे हॉस्टल्स की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस हॉस्टल के बदहाली की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि डेंटल कॉलेज में 2 प्रिंसिपल की नियुक्ति है। एक को हेल्थ यूनिवर्सिटी ने लगाया तो दूसरे को सरकार ने पोस्टिंग दी, लेकिन जिम्मेदारों ने ही इससे पल्ला झाड़ लिया। जब हमने उनसे बिगड़े हालात के बारे में सवाल पूछे तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। आपको गलत सूचना मिली है, कल से लाइट नहीं है। आप देखिए ये हॉस्टल के हालात तो काफी दयनीय लग रहे हैं, जैसे कोई धर्मशाला टाइप हो, पुरानी लाइटें नहीं है, अंदर ट्यूबलाइट नहीं है। आज से पहले जो यहाँ प्रिंसिपल थे उन्होंने कोई काम नहीं किया इसके लिए 20 साल में, इसलिए दिक्कत है। कब से क्या ज्वाइन? मेरे को 2 महीने हुए हैं। चिकित्सा मंत्री जी, प्रदेश के पहले सरकारी डेंटल हॉस्पिटल की बदहाली आप खुद ही देख लीजिए, समय रहते इसकी सुध ले लीजिए, नहीं तो जिम्मेदारों की अनदेखी से कहीं ये इमारत इतिहास ना बन जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ आदित्य आत्रे की रिपोर्ट।